तो गाइस रोडीज डबल क्रॉस में अभी चंडीगढ़ में जो ऑडिशन चल रहा था एलबीसी यादव का जो जबरदस्त एंट्री होता है भाई गजब ही लेवल का था। अभी 6 घंटे पहले वो सारा फंक्शन खत्म हुआ है। तो बाकी गाइस एंट्री तो सभी गैंग लीडर्स का हुआ जैसे कि होता है, चाहे वो रणविजय भाई की बात करे, प्रिंस नडूला भाई की बात करे, रिया चक्रवर्ती की बात करे, नेहा धूपिया की बात करे, सबका भाई अपने लेवल का एंट्री हुआ। कोई कह रहा है मैं शेड हूँ, कोई कह रहा है मैं शेडनी हूँ, मुझे माइंड गेम वाला चाहिए अपने गैंग में, तो मुझे मसल फिट वाला चाहिए, कोई फिट कोई फिटनेस वाला चाहिए, इस बार मैं जीतूंगा। तो भाई सब ने अपनी बात करी, लेकिन गाइस भगदड़ तब मच जाता है जब एलबीसी यादव आते हैं वन लाइनर की। भाई चंडीगढ़ में तो बड़ा जोश है भाई, अभी अभी मेरी एंट्री हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो अभी मेरी एंट्री हुई, रणविजय भाई ने 2 चीजें मिस कर दी। एलविश यादव क्या क्या लगाना था इस बार, ये एमटीवी रोडीज का विनर, और ये पहली बार कर रहे हैं ना, अभी पहली बार कर रहे हैं, पहली में ही जीतेंगे, यहाँ शिकारी बैठे हैं। और पीछे से मैं सुन रहा था कि यहाँ पे भाई कोई शेर है कोई शेर नहीं है, बट अब आ गया रिंग मास्टर, शेर शेरनियों को नचाने वाला। तुम्हें अब प्रिंस भाई बोलेंगे कि सर्कस नहीं है जंगल है, तो जंगल में भी नचाएंगे तुम्हें। एक तो गलत है सिस्टम की, पता नहीं बॉस का सिस्टम है कौन सिस्टम है जो पड़ता ही नहीं है, हम सारे मार देंगे। ठीक है एक रिंग मास्टर है और वो है ये, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके बाद रिंग मास्टर। बाकी गाइस एलबीसी यादव ने जो ये कहा ना कि पहली बार आया हूँ पहली बार ही जीत के जाऊंगा, ये उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि भाई इस बंदे में अलग ही लेवल का एनर्जी है। बाकी गाइस अगर आप एलबीसी यादव के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को एलबीसी आर्मी में फैला दो, एंड एसएसबी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो लेटेस्ट अपडेट के लिए।